सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम महाकवि भारवी विरचितम् किरातार्जुनीयम् महाकाव्य के प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किया हुआ वनेचर हस्तिनापुर के दुर्योधन की शासन व्यवस्था के समाचार को जानकर अपने स्वामी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ है। समाचार शुभ नहीं थे, तथापि स्वामी का हितैषी होने के कारण वह उनको सुनाने के लिए रुकता नहीं है और उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति माँ कवि भारवी के द्वारा इस उक्त श्लोक में की है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। प्रशस्त छंद में निबद्ध है। क्या कह रहा है वनेचर के भावों को उल्लेखित कर माँ कवि भारवी क्या कह रहे हैं? कृत प्रमाणश महिम मही मुझे जितांस पत्ने निवेदीशत न विवीयते तश मनो नहि प्रियम् प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषाहिते शिण। क्या बता रहे माँ कवि भारवी? कृत प्रमाणशम मही मही मुझे चितांश पत्ने निवेदीशत न विवीयते तश मनो नहि प्रियम् प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषाहिते शिण। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, कृत प्रमाणस्य सपत्नेन जितां महीम महीभुजे निवेदिहिष्यतः तस्य मन न विवीयते हि हितेषिणी मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। लौकिक व्यवहार की बात को भी माँ कवि भारवी ने इस श्लोक के माध्यम से बताने का हमें प्रयास किया है और बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कृत प्रमाणस्य यानी प्रमाण प्रणाम यहाँ पर नमन करने के संदर्भ में जो बड़े हैं युधिष्ठिर हैं महाराज हैं, तो कृत प्रमाणस्य कृत के संदर्भ में है, करने के पश्चात किसको? युधिष्ठिर जी को प्रणाम करने के पश्चात। और सपत्नेन जिताम, सपत्नेन शब्द जो है वो शत्रु के संदर्भ में आया है कि सपत्नेन जिताम यानी शत्रु के द्वारा जिताम यानी जीती गई। महिम मही भुजे, महिम महिम का अर्थ है भूमि धरती यानी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी के जो शासक थे जिस राज्य के महाराज युधिष्ठिर शासक थे उसके संदर्भ में बताते हुए वनेचर विचार कर रहा है कि महिम मही भुजे। महिम का तात्पर्य है यहाँ पर धरती के संदर्भ में और मही भुजे यानी जो वहीं पर जो शासन करता है, वहीं जिसकी भुजाओं के अंतर्गत अधीन रहती है उस राजा के संदर्भ में बता रहे हैं कि पृथ्वी के समाचार को राजा युधिष्ठिर को राजन युधिष्ठिर से फिर कह रहे निवेदी शत निवेदन करते हुए यानी उनको कहते हुए तस्य मन न विवीयते यानी उसका मन जरा भी व्यतीत नहीं हुआ, जरा भी उसने संकोच नहीं किया। किसने नहीं किया? उस वनेचर ने, जिस वनेचर ने कौन सा वस्त्र धारण कर रखा था? वर्णलिंगी ब्रह्मचारी का वस्त्र धारण कर रखा था। उस वनेचर का जो मन है वह जरा सा भी क्या नहीं हुआ, व्यतीत नहीं हुआ। फिर आगे एक उक्ति के माध्यम से माँ कवि भारवी बता रहे हैं हमें, लौकिक व्यवहार की उक्ति है, किस कारण से व्यतीत नहीं हुआ उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि ही हितेषिणी मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। क्या करे? न विवीयते तश मनो नहि प्रियं प्रवक्तुं इच्छन्ति मृषा हितेषिण यानी कि ही हितेषिण यानी क्योंकि जो हितेषी जन होते हैं, जो अपने स्वामी का हित चाहने वाले होते हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, जो व्यक्ति विशेष इस लौकिक जगत में अगर हमें उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, उसी के संदर्भ में माँ कवि भारवी बता रहे हैं कि हितेषिण क्योंकि जो हितेषी होते हैं, जो हितेषी सेवकगण होते हैं, वे क्या करें? मृषा, मृषा का तात्पर्य असत्य अप्रिय और प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति यानी असत्य प्रिय बात कहने के इच्छुक नहीं होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि जो हमारा हित जाने वाला व्यक्ति विशेष होता है तो वो क्या नहीं करता है? अगर कोई
क्रिया विधि कोई कार्य हमारे अवनति के मार्ग पर अग्रसर करने वाला है तो भी वो बात हमें बताएंगे, ऐसा नहीं उस बात का वो प्रत्यारोपण कर दे और उस बात को हमें नहीं बताए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि असत्य प्रिय बात करने में भी वो क्या नहीं होते, इसके इच्छुक नहीं होते, इसका संकोच नहीं करते, क्योंकि जो हितैषी गण होगा चाहे वो समाचार हमारे लिए शुभ हो चाहे अशुभ हो, निश्चित रूप से वो हितैषी जो व्यक्ति विशेष होगा वे बातें हमें हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो माँ कवि भारवी ने इस समय वनेचर की उस मनोस्थिति को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि जिस वनेचर को महाराज युधिष्ठिर ने वन में नियुक्त किया था वह वनेचर कृत प्रमाणस्य यानी प्रणाम करने के पश्चात, महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करने के पश्चात सपत्ने ने जिताम यानी शत्रु के द्वारा जीती गई, सपत्नेन शब्द यहाँ पर शत्रु के संदर्भ में आया कि सपत्ने ने जिताम यानी उस शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई महिम महिम पूजे यानी महिम का अर्थ पृथ्वी और महिम पूजे यानी उस राजा के शासन को महाराज युधिष्ठिर को उस पृथ्वी के समाचार को महाराज युधिष्ठिर को निवेदिष्यते यानी सुनाते हुए तस्य मन न विवियते यानी उसका मन जरा सा भी उसने संकोच नहीं किया, क्योंकि ही हितैषिणम निशा यानी जो हितैषी गण होते हैं वे निशा का अप्रिय प्रिय प्रवक्तुम न इच्छते यानी असत्य प्रिय बात करने के इच्छुक नहीं होते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को एक बार पुनः देखते हैं। सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है, अर्थांतरन्यास की छठा इसके अंतर्गत विद्यमान है, वशिष्ठ छंद का प्रयोग माँ कवि भारवी के द्वारा इस प्रथम सर्ग के श्लोकों के अंतर्गत, इसमें कुल हमारे 46 श्लोक हैं, इन 46 श्लोकों में इसके 44 श्लोक तक वशिष्ठ छंद की छठा विद्यमान है और 45 में पुष्पित्र का छंद है और 46वां में अंतिम जो श्लोक है उसमें मालिनी छंद का प्रयोग माँ कवि भारवी के द्वारा किया गया है। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, पूछा भी जाता है, एक बार पुनः इसके वाचन को देखते हैं क्या कह रहे हैं माँ कवि भारवी। कृत प्रमाणश महिम महि भुजे चिताम सपत्ने निवेदिशत न विवियते तस्य मनो नहि प्रियम् प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषाहितेषिणः। कृत प्रमाणश यानी प्रणाम करने के पश्चात सपत्ने यानी शत्रु के द्वारा जिताम यानी जीती गई महिम यानी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के समाचार को महिम पूजे यानी उस राजा युधिष्ठिर को निवेदिष्यते यानी उसका निवेदन करने के लिए उसको सुनाने के लिए तस्य मन न विवियते यानी उस वर्णलिंगी ब्रह्मचारी का जो मन है जरा भी व्यतीत नहीं हुआ ही यानी क्योंकि हितैषिणी यानी हितैषीगण जो सेवक होते विषा प्रियम यानी असत्य प्रिय बात करने के प्रवक्तुम न इच्छन्ति यानी इस तरह की बात को कहने के वो क्या नहीं होते इच्छुक नहीं होते। नमो नमः। आज हम माँ कवि भारवी विरचितम किरातार्जुनम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब वनेचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए हस्तिनापुर जाता है और उन समाचारों को महाराज युधिष्ठिर को सुनाने के लिए पुनः वन में आता है। तो वनेचर के द्वारा लाया गया समाचार महाराज युधिष्ठिर के लिए प्रिय नहीं था, अतः पहले उस वनेचर ने स्वामी युधिष्ठिर से उस समाचार को सुनाने की अनुमति ली, तदंतर वह अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। उन्हीं भावों को वनेचर के भावों को माँ कवि भारवी उल्लेखित किया है इस उक्त श्लोक में। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। वनेचर के भावों को उल्लेखित कर माँ कवि भारवी क्या कह रहे हैं, वशंस छंद में निबद्ध है। दिशाम विगाताय विधातुम इच्छति रहस्य अनुगाम्य अधिगम्य ब्रुवूतः ससोष्ठ ओदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चात अर्थाम इति वाचम आददे। क्या कह रहा है वनेचर, अनुमति प्राप्त कर महाराज युधिष्ठिर से क्या कह रहा है। दिशाम विगाताय विधातुम इच्छति रहस्य अनुगाम्य अधिगम्य ब्रुवूतः ससोष्ठ ओदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चित अर्थाम इति वाचम आददे। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, द्विषाम विगाताय विधातुम इच्छतः
ब्रुभृतः रस्य अनुज्ञाम इति गम्य स सोष्ट औदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चित अर्थाम इति वाचम आददे। दिशाम, दिशाम का अर्थ देश भाव, जो देश भाव रखने वाले होते हैं हमारे प्रति, उनके संदर्भ में भावार्थ होगा शत्रु। दिशाम विघाताय, विघाताय करता विनाश करने के लिए, यानी शत्रु का विनाश करने के, विधातुम यानी उसके विधान करने वाले, उसकी रचना करने वाले, शत्रु का विनाश करने के लिए उन प्रयत्नों को इच्छति यानी उसकी इच्छा वाले ब्रुभृतः राजा के लिए आया वे महाराज युधिष्ठिर को रहस्य रहस्य अनुज्ञाम यानी उस रहस्य की उस बात को महाराज युधिष्ठिर को कहने की इच्छा वाले। तो महाराज युधिष्ठिर के लिए रहस्य की बात जो होती है रहस्य एक उस बात के संदर्भ में आता है जहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष विद्यमान नहीं हो। तो यार रहस्य का तात्पर्य एकांत के संदर्भ में है कि उस इच्छा वाले रहस्य अनुज्ञाम यानी महाराज युधिष्ठिर की एकांत में अनुज्ञाम यानी उनकी अनुमति को अधिगम्य यानी प्राप्त करके स यानी उस मनेचर ने सोष्टव औदार्य विशेष शालिनी यानी क्या किया बड़े ही सोष्टव का अर्थ बड़े ही विशेष शालिनी सोष्टम औदार्य यानी बड़ी ही शब्दों और अर्थों की गरिमा से युक्त और विनिश्चित अर्थाम यानी विनिश्चित यानी प्रमाणों से निश्चित जिसको प्रमाण की कसौटी पर कसा गया हो उस वाणी को उन प्रमाणों से निश्चित अर्थ वाली उस वाणी को क्या किया उन्होंने इति वाचम आददे यानी उस वाणी को महाराज युधिष्ठिर को कहा। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए क्या कह रहे कि दिशाम विघाताय यानी शत्रु का विनाश करने की इच्छा वाले उसकी प्रयत्न को करने में संलग्न करने की इच्छा वाले प्रभुत यानी उस महाराज युधिष्ठिर की रहस्य अनुगाम यानी एकांत में अनुमति को प्राप्त कर अधिगम्य यानी उस अनुमति लेकर उस अनुमति को प्राप्त करके स यानी उस वनेचर के द्वारा सोष्ट औदार्यम विशेष शालिनी यानी शब्दों और अर्थों की गरिमा से युक्त और विनिश्च अर्थाम यानी बड़े ही प्रमाणों से निश्चित की हुई प्रमाणों से कसौटी पर कसी हुई उस वाणी को इति वाचाम आदते यानी उस वाणी को उस वनेचर के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कहा गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज बारहवीं हमें इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि वनेचर के द्वारा लाया गया समाचार महाराज उदयन के लिए प्रिय नहीं था परंतु राजा तो शत्रु का विनाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं अतः अप्रिय बात को बताने के लिए उस वनेचर ने पहले ही महाराज युधिष्ठिर से अनुमति ली। इसके बाद उसने जो बात कही वह शब्दों और अर्थों की गरिमा से भरी हुई थी और उसका प्रत्येक कथन निश्चित प्रमाणों पर आधारित था। हमारे संस्कृत साहित्य में एक उक्ति प्रसिद्ध है उपमा कालिदासस्य बारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम मागे संति ही त्रयो गुणा है यानी आलोचकों ने भारवी की विशेषता बताई है भारवे अर्थ गौरवम यानी भारवी के कारण काव्य की वाणी में भारवी की वाणी की काव्य में तीन विशेषताएं होनी चाहिए भारवी के अनुसार सोष्टम यानी पदों में विन्यास की रमणीयता होनी चाहिए औदार्य यानी पदों के अर्थ में गंभीरता होनी चाहिए और विनिश्चित अर्थता यानी जो भी बात कही जाए वह प्रमाणों के द्वारा निश्चित होनी चाहिए। इस तरह से इस तीसरे वाले श्लोक में अनुमति को प्राप्त करता है और वह अपनी वाणी को बताता है।